दोनों जैसा कि आप लोगों को पता है आज वीवो का V11 Pro जो है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है 6 सितंबर को इसका लॉन्च इवेंट यानी आज इसका लॉन्च इवेंट था और आज ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो आज इस वीडियो हम लोग कंपेयर करने वाले इस वीवो V11 Pro को ओप्पो के F1 से जो कि मतलब दोनों ही सेम सिमिलर प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करने वाले कंपैरिजन स्पेसिफिकेशन बेस्ड इन दोनों फोन्स का, आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कौन सा फ़ोन आपको सूट करता है तो उस बारे में आपको इस वीडियो में बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो आई होप इसके बाद आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है वरुण प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। स्टार्ट करते हैं दोनों फोन्स की स्क्रीन और बिल्ड क्वालिटी। तो देखिए सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लुक्स में जो है आपको वीवो का V11 Pro बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिले। यहाँ पे ग्रेडियंट फिनिश आपको देखने को मिलती है वीवो के V11 Pro में और साथ ही साथ यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश है, शाइनी वाला बैक आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये दोनों ही चीज़ें आपको वीवो F1 में देखने को नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर देखने में जो है वीवो का V11 Pro आपको ज़्यादा आई कैची, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा इन कंपेरिजन टू पोको F1। वही हम बात करें दोनों फोन से स्क्रीन के, तो यहाँ पर जो पोको का F1 है वो आपको मिलता है 6.18 इंचेस की IPS LCD वाले डिस्प्ले के साथ, जिसमें आपको ऊपर एक नॉच और नीचे बॉटम में एक चिन देखने को मिलती है, जो कि दोनों ही नॉच और चिन दोनों ही काफ़ी कंपैरिजन में बड़े हैं अगर इसे हम कंपेयर करते हैं वीवो की 6.41 इंचेस की सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले से। तो यहाँ पर क्वालिटी में भी डिफरेंस है, यहाँ पर बेजल्स में भी डिफरेंस है। यहाँ पर जो वीवो का V11 Pro है उसमें आपको फुल व्यू टेक 3.0 वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको छोटा सा नॉच, एम्बिएंट लाइट सेंसर वगैरह जो स्क्रीन के नीचे, जो कि मतलब वीवो नेक्स्ट वाली टेक्नोलॉजी आपको इसमें देखने को मिलती है, एम्बिएंट लाइट सेंसर वगैरह आपको स्क्रीन के नीचे देखने को मिलता है। और कैमरे का छोटा सा एक वाटर ड्रॉप वाला नॉच, जो कि ओप्पो का वाटर ड्रॉप वाला नॉच आपको इसमें देखने को मिलता है। और वहीं पोको के F1 में जो है यहाँ पर कोई डिफरेंस, यहाँ पर कोई नई चीज़ कोई इनोवेटिव स्क्रीन में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर इवन वीवो के V11 Pro में आपको स्क्रीन क्वालिटी बेटर देखने को मिलेगी पोको के F1 से, क्योंकि यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर पोको के F1 में यूज़ करी गई है, लेकिन वीवो के V11 Pro में आपको देखने को मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। वहीं अनलॉकिंग के लिए दोनों फोन्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर तो देखने को मिलता है, लेकिन पोको F1 में आपको कैपेसिटिव वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो नॉर्मल फिंगरप्रिंट सेंसर होता है फोन्स में आपको देखने को मिलता है वो वाला। लेकिन वीवो V11 Pro आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, और ओप्पो वीवो में ये फोन्स का आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर V11 Pro आपको थोड़ा और अच्छे बेटर अनलॉकिंग कैपेबिलिटी के साथ, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है। बात करें इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वीवो V11 Pro और पोको F1 की परफॉर्मेंस में। यहाँ पर पोको F1 की परफॉर्मेंस को कैसे भी वीवो V11 Pro मैच नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है चिपसेट का सीधा सीधा काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर पोको के F1 में एज यूजुअल आपको पता ही है कि स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि फ्लैगशिप फोन्स में आपको देखने को मिलता है, और वहीं आपको एडिनो का 630 GB देखने को मिलता है इस पोको F1 में, जो कि आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो फोन हीट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर आपके पोको F1 को हीट करने से बचाने के लिए उसमें लिक्विड कूलिंग और कॉपर हीट सिंक आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन जो है लिक्विड कूलिंग वाली टेक्नोलॉजी के साथ कूल रहेगा, चिल्ड रहेगा। वही अगर हम वीवो V11 Pro की बात करें तो यहाँ आपको ऐसा कोई इनोवेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। साथ ही जो चिप है वो आपको देखने को मिलती है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, जो कि मेरे हिसाब से कोई बुरा चिपसेट नहीं है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेटर चिपसेट आपको प्रोवाइड कराया जा सकता था। स्नैपड्रैगन 710 दे सकते थे इसमें, लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं, 660 भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। साथ ही एड्रीनो का 512 GB आपको इसमें देखने को मिलता है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आप जो है Mi A2 वाली परफॉर्मेंस आपको इसके वीवो V11 Pro में देखने को मिलने वाली है। हालांकि जो फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस 845 वाले गेम्स जो चलते हैं या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है वो वीवो के V11 Pro में आपको नहीं मिलेगी। वो तो बात करें इन दोनों फोन्स के रैम रोम वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर जो रैम रोम वेरिएंट्स में भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी आपको पोको F1 में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो वीवो V11 Pro है उसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो है 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाली। जो रैम है वो है LPDDR4X वाली और इंटरनल स्टोरेज है वो है UFS 2.1, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो पोको F1 है वो आपको 4 वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोगों को पता है जो 664, 6128, 8256 और 8256 केवलर वाला वर्जन काफ़ी सही है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों में ही प्लास्टिक वाली मिलती है, लेकिन देखने में वीवो V11 Pro अच्छा लगता है। तो जिन दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो 664 वाला वर्जन है
पोको F1 का वो आपको देखने को मिलता है 21,000 में, 6128 वाला वर्जन आपको देखने को मिलता है 24,000 में, 8256 वाला वेरिएंट आपको 29,000 में, और 8256 वाला वेरिएंट जो केवलार वाला वर्जन है वो आपको देखने को मिलता है 30,000 रुपये का। वहीं अगर हम बात करें 664 वाला वर्जन वीवो V11 प्रो का, तो वो आपको देखने को मिलता है 26,000 रुपये का। तो यहाँ पर मतलब 6GB रैम और 128 इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको पोको F1 का इस वाले 6GB रैम 64GB वाले इंटरनल स्टोरेज से भी कम पड़ेगा। तो यहाँ पर प्राइसिंग ऑब्वियसली हम इसे आइडिया लगा सकते हैं कि थोड़ी हाई रखता है वीवो ओप्पो, दोनों ही हाई रखते हैं थोड़ी। बात करते हैं दोनों फोन्स की कैमरे की, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको रियर में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर दोनों में वो है 12 मेगापिक्सल का, दोनों में ही जो पोको F1 है उसमें आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, वो मिलता है f/1.9 अपर्चर के साथ, और जो पिक्सल साइज है वो है 1.4 माइक्रॉन्स का, जो कि मतलब काफ़ी बड़ा सेंसर जो आप कह सकते हैं पिक्सल 2 XL में भी यही साइज़ का सेंसर आपको देखने को मिलता है। वीवो V11 प्रो में आपको रियर कैमरा में जो मिलता है वो मिलता है 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जिसका अपर्चर है वो है f/1.8 और 1.28 माइक्रॉन्स का पिक्सल साइज आपको देखने को मिलता है, जो कि इस साइज़ का सेंसर आपको हर फोन में एक अच्छे फ़ोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ कैमरा क्वालिटी जो है दोनों ही फोन्स की काफ़ी कंपेटिटिव है, लेकिन ऐसा कि जैसा कि आप लोगों को पता है ओप्पो वीवो कैमरा में काफ़ी अच्छे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से नए नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो HDR मोड वगैरह, बैकलाइट ऑन ऑफ वाला फीचर्स आपको वीवो के V11 प्रो में देखने को मिलता है, जो कि आपको थोड़ी बेटर और थोड़ी एनहांस, थोड़ी रीटच्ड फोटोज आपको क्लिक करने में हेल्प करेगा। वहीं पोको F1 जो है वो आपको दिए काफ़ी रियल तरीके की इमेजेस जो हैं आपको क्लिक करके देगा। तो यहाँ पर ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप किस तरीके का फ़ोन, कैसे इमेजेस वाला फ़ोन क्लिक करने वाले, जो आप खुद को प्रायोरिटी देते, तो डेफिनेटली आपके लिए सेल्फी कैमरा भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो पोको F1 है उसमें आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। यहाँ पर 25 अलग अलग कैटेगरीज के सीन को रिकॉग्नाइज कर सकता है इसका फ़ोन का कैमरा। वहीं वीवो V11 प्रो में जो फ्रंट कैमरा वो है 25 मेगापिक्सल का, थोड़ा 5 मेगापिक्सल एक्स्ट्रा है। जहाँ दोनों ही फोन से पिक्सल बिनिंग की आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यानी कि जो 4 पिक्सल कंबाइन होकर 1 पिक्सल बन जाते हैं, और थोड़ी रिड्यूस्ड नॉइज़ वाली लो लाइट परफॉर्मेंस वाली पिक्चर्स आपको अच्छी देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको f/2.0 वाला अपर्चर देखने को मिलता है V11 प्रो के फ्रंट कैमरा में। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा ऑब्वियसली आपको पता ही है, किसी भी तरीके से कुछ भी कर ले, लेकिन वीवो का फ्रंट कैमरा आपको हर तरीके से अच्छा देखने को मिलने वाला है इस फोन में। अब बात करते हैं दोनों फोन्स की बैटरी की, तो यहाँ पर जो पोको F1 की बैटरी है वो है 4000 mAh की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो वीवो का V11 प्रो है उसमें आपको 3400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 600 mAh ज़्यादा है पोको F1 में। दोनों ही फोन्स में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है पोको F1 में, जिससे कि आप चार्ज कर सकते हैं क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 यानी 18 वाट के फास्ट चार्जर से आप पोको F1 को चार्ज कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वीवो का V11 प्रो है वो भी आपको फास्ट चार्ज सपोर्ट मिलता है, जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी वो है डुअल इंजन फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी, जो वीवो की खुद की चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जर से ही चार्ज होगी। दोनों ही फोन 18 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज होंगे, तो लेकिन यहाँ पर जो पोको F1 वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेगा, लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम इज गोइंग टू बी टेकन बाय द पोको F1, क्योंकि यहाँ पर जो है 600 mAh की एक्स्ट्रा बैटरी देखने को मिलती है वीवो V11 प्रो से। और जो दोनों फोन से उन्हें चार्ज करने के लिए रिस्पेक्टिवली पोको F1 में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, और जो वीवो का V11 प्रो उसमें माइक्रो USB पोर्ट है। अब यहाँ पर टाइप सी पोर्ट और माइक्रो USB पोर्ट से आपको धोखा खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मदरबोर्ड जो है वो USB 2.0 सपोर्ट करता था। यहाँ माइक्रो USB वाली फीचर्स आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलेंगे, भले यहाँ पर हार्डवेयर जो USB C का क्यों ना लगाया गया हो पोको F1 में। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये जो फ़ोन है उन दोनों में कंपैरिजन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है स्पेसिफिकेशन बेस्ड। तो यहाँ पर जो कुछ खास फीचर्स है वो आपको पोको F1 में देखने को मिलते हैं, और कुछ खास फीचर्स है वो आपको वीवो V11 प्रो में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कैमरा आपकी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है, फ्रंट और रियर कैमरा, साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ट्राई करना है, जो कि नई टेक्नोलॉजी है जैसे कि आप डेफिनेटली पसंद करते हैं। और साथ ही साथ आपका फ़ोन जो है वो आप चाहते हैं कि प्रीमियम दिखे, तो डेफिनेटली आप वीवो V11 प्रो को प्रेफर करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन वहीं अगर आप परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देते हैं एक डिसेंट अच्छे कैमरा के साथ, तो यहाँ पर पोको F1 जो वो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा, और ये सस्ते में भी मिलेगा वीवो V11 प्रो से। तो आई होप यार इस कंपैरिजन के बाद आपका कुछ तो डाउट क्लियर होगा, और अगर ज़्यादा ही हो गया हो, पूरा हो गया हो क्लियर, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो डेफिनेट इस वीडियो को लाइक करें, बना कहीं मत जाइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही साथ बराबर में मिलेगा पहले कहीं से दबाने से होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन आप तुरंत मिल जाएगा, और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, और मिस भी क्या करेंगे, मैं आपके लिए इस तरीके इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।